देश में बाघों का सबसे सुरक्षित गढ़ कहे जाने वाले कॉर्बेट नेशनल पार्क में इन दिनों अपराधियों की धमक बढ़ने लगी है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि पार्क में बाघों को ट्रैप करने के लिए लगाए गए कैमरों की चोरी और उनकी तोड़फोड़ इस बात की तस्दीक कर रही है। ये खबर इसलिए भी चिंता करने वाली है क्योंकि कॉर्बेट वही जगह है जहां आसानी से बाघों की मौजूदगी मिल जाती है। अपराधियों की कॉर्बेट में धमक से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उसके बाद बेखौफ घूमने वाले बाघ यहां कितने सुरक्षित रह पाएंगे। ईटीबी भारत को आरटीआई से मिली जानकारी में विभाग ने यह भी माना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में 5 कैमरे चोरी हो चुके हैं, जबकि 2 कैमरों को अपराधी नष्ट कर चुके हैं। इससे पहले ईटीवी भारत ने राजाजी नेशनल पार्क में भी कैमरे चोरी होने की घटना का खुलासा किया था, जिसके बाद इस मामले में जांच भी बिठाई गई थी। वहीं इस मामले में जब वन मंत्री हरक सिंह रावत से बात की गई तो वो क्या कह गए, आप भी सुनिए। संज्ञान में आया था कि जो कॉर्बेट में हमने जगह जगह कैमरा ट्रैपिंग के लिए और या निगरानी के लिए जो वन माफिया हैं या जीव जंतुओं को नुकसान ना हो उसके लिए हमने जो कैमरे लगाए थे, और क्योंकि इतनी बड़ी सीमा कॉर्बेट की है और उत्तर प्रदेश से लगी हुई है और हमारे वन विभाग के लोग गश्त करते हैं, लेकिन हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड की कमी होने के कारण अभी क्योंकि 1300 पद हमने अध्यक्ष सेवा चयनाय को भर्ती के लिए दिए हैं तो फॉरेस्ट गार्ड की भी कमी है। हालांकि हमने कॉर्बेट में तो तब भी कोशिश की है कि वहाँ फॉरेस्ट गार्ड पर्याप्त हों, लेकिन फिर भी इतने कम उतना नहीं है, और इतनी बड़ी सीमा को देखना कॉर्बेट की बड़ा मुश्किल है। और ये मेरे संज्ञान में आया कि जगह जगह कई जगह हमारे कैमरे जो कैमरे ट्रैपिंग के लिए निगरानी के लिए लगे थे वो क्षतिग्रस्त कर दिए गए, तो उसकी हम जांच करा रहे हैं और उसको कॉर्बेट प्रशासन अपने स्तर पर देख रहा है कि ये आखिर ये किसके द्वारा ये हरकतें की गई हैं, तो वो हम दिखवा रहे हैं। कॉर्बेट में अपराधियों की बढ़ती घुसपैठ को रोकना न केवल बाघों के लिहाज से जरूरी है बल्कि कानून व्यवस्था के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए वन विभाग को चाहिए कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और कड़े कदम उठाएं, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल की रिपोर्ट।